यहाँ पे आपको वाईफाई फ्री मिल रहा है। पैसा चेंज करवाया है तो 1000 का हमें 1600 रुपया मिला है। उसके बाद हमने एनसेल का सिम लिया। सामने घंटा घर के पास अभी हम हैं। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम पहुंच चुके हैं नेपाल में। नेपाल का जो धरान शहर का ये चौराहा है और इस चौराहे पे अभी हम हैं। और ये अभी नज़ारा आपको दिख रहा है ये नाइट का। और हमारे सामने देख सकते हैं ये LED लगा हुआ है, इस पे किस किस तरीके से आपको यहाँ पे सुविधा मिलता है, किस किस चीज़ पे आप सैर कर सकते हैं, उसके बारे में LED पे दर्शाया गया है। यहाँ पे जीप लाइन वगैरह बहुत चीज़ें हैं। यहाँ क्योंकि पहाड़ का एरिया है तो हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पहाड़ी से जुड़ा हुआ हर चीज़ आपको मिलेगा। और आपको इधर में सामने घंटा घर के पास अभी हम हैं और बगल में रूम लिए हैं, होटल लिए हैं। तो और दोस्तों आप देख सकते हो इधर में बगल में बस इस धरान शहर का जो घंटाघर है ना, इसके बगल में ही इधर में साइड से जो इधर से गली जाता है इसके अंदर, तो इसी में हम रूम लिए हैं। तो यहाँ पे आइएगा तो वो रूम आप ले सकते हैं। बताया था कि होटल लेने के बाद हमें इससे पहले गर्लफ्रेंड के साथ आए थे, तो गर्लफ्रेंड वाली बात हम वो आया तो आया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन गर्लफ्रेंड के साथ वो आया था तो 500 रुपये का रूम लिया था, लेकिन 500 रुपये में उसको वाईफाई नहीं मिला था। लेकिन हमने 500 रुपये का रूम लिया, उसमें वाईफाई भी फ्री मिला है। तो वाईफाई का सुविधा उसमें मस्त है, वीडियो बनाएंगे अपलोड करेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। 500 रुपया में इतना सुविधा मिल रहा है तो फिर क्या चाहिए। तो दोस्तों अभी हम अपने एक गली में आ चुके हैं जहाँ पे रूम लिए हैं, और आपको अभी हम जूम करके दिखा रहे हैं। ये हमारे बोर्ड लगा हुआ है हमारे होटल का, आप देख सकते हैं होटल पैराडाइज लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों हमारे पीछे देख सकते हो आप कि न्यू पैराडाइज जो होटल है आपको दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हैं। और इसी होटल में हमने रूम लिया है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, अभी हम चलते हैं अंदर तो दिखाते हैं कितने का रूम लिए हैं। तो चलिए अभी हम अंदर चलते हैं, ये रूम के मतलब होटल के अंदर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ हमारा ये होटल है, इसके ऊपर में हमें होटल मिला है। तो आप देख सकते हैं और यहाँ पे कुछ लोग ये किराया के लिए यहाँ पे होटल के लिए बात कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे यहाँ के ओनर से भी बात करेंगे, तो चलिए बने रहिए वीडियो में। होटल लिए हैं तो उसका यहाँ पे पैसा का मतलब बन रहा है बिल। भैया कितने का है ये होटल? ये रूम हम 500। कौन सा जगह बताएं? धरान आचार्य लाइन, धरान भानु चौक आचार्य लाइन, आचेरा लाइन लाइन, हाँ धरान आचेरा लाइन में आप आकर के पैराडाइज होटल पैराडाइज का नाम से है। तो यहाँ आकर के आप होटल ले सकते हैं, और भैया है जो आपको यही रूम देंगे। और हमारा देख सकते हैं पैसा मतलब मिल गया है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर रूम में, तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए फिर चलते हैं अभी हम, और यहाँ पे होटल के अंदर ही आपको सारा कुछ का दवा दारू सब का व्यवस्था मिल रहा है। तो कोई टेंशन वाली बात ना है, यहाँ इंडिया नहीं है। और यहाँ पे खाना उना का सब कुछ का व्यवस्था मिल जाएगा, देख सकते हैं इधर में किचन है, तो इधर में खाना उना भी आपको मिल जाएगा। तो खाना उना के लिए कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों अभी हम ऊपर चल रहे हैं, तो देख सकते हैं अभी हम ये सीढ़ी से ऊपर चल रहे हैं, तो देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम अपने रूम के पास पहुंच चुके हैं, और ये है हमारा रूम, आप देख सकते हैं 101 नंबर मेरा रूम है। तो हम यही रूम लिए हैं, आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से ये रूम है। और इधर में आप देख सकते हैं हमारे ब्लॉगर भाई का यहाँ पे बैग वेग टांगा हुआ है। और इधर में आपको हम आपको थोड़ा इधर में ये बाथरूम है, तो बाथरूम बाद में दिखाएंगे, पहले रूम आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रूम है, दो बेड लगा हुआ है और इस पर दो दो लोग सो सकते हैं, बोले तो चार लोग सो सकते हैं। और इधर में हमारा जो बड़ा ट्रेवलिंग वाला बैग है वो रखा हुआ है, और एक ब्लॉगर भाई इधर सोए हुए हैं। और इधर में टीवी भी लगा हुआ है, लेकिन हमें तो लगता नहीं है टीवी चलता होगा, लेकिन वैसे ट्राई नहीं किए हैं। टीवी हम लोग को देखने का क्या ज़रूरत है जब हमारे फ़ोन में ही सब कुछ होता है। तो और इधर में चार्जिंग उर्जिंग केबल का सब कुछ व्यवस्था है, इधर में भी है चार्जिंग पॉट, आप देख सकते हैं चार्जिंग के लिए वो भी लगा हुआ है, चार्जिंग बोर्ड है वो। और इधर में आपको आप बाथरूम दिखाते हैं, थोड़ा आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं ये है, आप देख सकते हैं इधर हाथ वाथ धोने के लिए है, और इधर में इंग्लिश टॉयलेट है आपको दिख रहा होगा, और इधर में नहाने के लिए ये सब नल लगा हुआ है, और ये झरना लगा हुआ है, आपको ऐसा कुछ यहाँ का बाथरूम मिल जाता है। और एक चीज़ और झकास चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये देखिए ये किमाड़ है ना, ये हमको ये दरवाज़ा को जैसे ही बंद करते हैं तो हमें ये पता नहीं था कि इसमें क्या है, ये दिखाइए क्या है,
ये देख सकते हैं, ये जो है ना, ये इस होटल का वाईफाई का है और इसमें फ्री में आप वाईफाई चला सकते हैं इस होटल में। तो बताइए, हमको 500 रुपया इंडियन रुपीज में 500 रुपया का ये होटल पड़ा है और यह 800 रुपया मतलब नेपाली पैसा हमें 800 रुपया यहाँ पे लगा है। तो बताइए कितना ये सस्ता हो गया, मतलब इतना सस्ता हमको बताइए। इंडिया में तो वैसे ही 500 रुपये का होटल मिलता है और यहाँ होटल में 500 रुपये का वहाँ पे होटल मिलेगा तो वहाँ पे वाईफाई फ्री नहीं मिलेगा इंडिया में, और यहाँ पे आपको वाईफाई फ्री मिल रहा है 500 रुपया में। तो समझ जाइए कितना सस्ता है वैसे होटल। और आपको एक इंडिया में अगर होटल लीजिएगा तो एक बेड मिलेगा और यहाँ पे दो दो बेड लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये दिखाइएगा थोड़ा, ये बेड तो आप देखे ही हैं, आप देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ है और हमें ये पता नहीं था कि इसमें वाईफाई लगा हुआ है। हम तो जैसे ही इस दरवाजे को बंद किए ना, वैसे ही हमको पता चला कि इसमें वाईफाई भी लगा हुआ है। तो हमने जैसे ही पासपोर्ट डाला तो मेरा फोन कनेक्ट हो गया वाईफाई से। तो ऐसा कुछ है। और अभी हम खाने के लिए चल रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो में, हम खाएंगे तो भी दिखाएंगे क्या क्या खाते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं होटल में और आप देख सकते हैं अभी बैठे हुए हैं और थोड़ा सा लेट कर गए हम लोग, 8 बजे तक यहां पर सारा दुकान बंद हो जाता है। तो अभी हमारा खाना आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम आपको खाना क्या क्या आया है वो हम दिखाते हैं, देख सकते हैं। चावल है, दाल है, सब्जी है, प्याज है और साग है उसके साथ में। दोस्तों अभी हम खाना खा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी हम खाना खा के अभी हम फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों हमने खाना खाने के बाद हमारे दोनों दोस्तों ने बियर का बोतल लिया, 200 रुपये का दोनों बियर का बोतल पड़ा है, 400 रुपये का यहाँ नेपाली पैसा 400 रुपये का पड़ा। और उसके बाद हम भुजा दुकान पे आते हैं तो भुजा बनवाते हैं। तो दोस्तों अभी हम खाना वाना खा लिए हैं, होटल से खाना खा के आ गए हैं। आपको होटल में खाए हैं तो आपको पता ही होगा, दिखाए हैं कैसा खाना खाए हैं। तो अब हम सोने के लिए जा रहे हैं और मेरा एक दोस्त इधर देख सकते हैं सो रहा है और एक उधर में भी हमारे इस साइड भी सोया हुआ है। तो अभी हम भी सोने के लिए जा रहे हैं। तो अभी धरान शहर का कल वीडियो देंगे, तो बने रहिएगा आप हमारे चैनल पे, क्योंकि सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो डलेगा तो। धरान शहर में सारा कुछ एक्सप्लोर करेंगे, नेपाल का हर चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।